ब्रह्मा की सहयोगी शक्ति है। जैसे कृष्ण है, कृष्ण की सहयोगी शक्ति सतयुग में राधा गाई जाएगी, राधा होती है, तो यहाँ क्या होती है? यहाँ विशेष सहयोगी कौन बनती है? कोई तो बनती है, तो राधा की आत्मा विशेष सहयोगी बनती है। ब्रह्मा के तन में प्रवेश हुआ, वो टेम्परेरी रथ था, उसके पहले जगदम्बा के रथ में प्रवेश हुआ, वो भी टेम्परेरी रथ। ब्रह्मा कितने गाये हुए हैं? पांच ब्रह्मा, पंचानन कहा जाता है, चतुरानन कहा जाता है, तो चार ब्रह्मा तो पक्के पक्के है ही, पांचवे का सर काट दिया जाता है। सर काट दिया तो धड़ अलग हो गया, धड़ माना देह अभिमान, देह अभिमान अलग हो गया, आत्मा अलग हो गई। तो सर काटा जाना अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ, तो वो तो शंकर का पाठधारी हो जाता है। जैसे महाभारत में दिखाया हुआ है कि भील था, गुरु ने भील का क्या काटा? अंगूठा काट दिया। कैसे अंगूठा में चल आत्मा है। तो ये भांति भांति की कहानियां बनाई हुई है। वास्तव में अव्वल नंबर प्रवेशता होती है प्रजापिता में, प्राइम नंबर पावरफुल आत्मा है कृष्ण की, उसके बाद दुनिया में पावरफुल आत्मा है इब्राहिम, फिर बुद्ध, फिर क्राइस्ट है, फिर गुरु नानक। इनमें से राम और कृष्ण प्रवृत्ति मार्ग के, बाकी इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट सब निवृत्ति मार्ग वाले। इसलिए राम कृष्ण की प्रवृत्ति मार्ग की सहयोगी शक्तियां भी दिखाई जाती है। राम के साथ सीता और कृष्ण के साथ राधा। तो कृष्ण वाली जो आत्मा है वो जब ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाती है तो उस वाणी को समझ करके और समझाने का काम कौन करता है? इसके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा तो सिर्फ सुनाया या समझाया भी? सुनाया, लेकिन समझाया किसके द्वारा? वाणी की देवी, विद्या की देवी कौन मानी जाती है? सरस्वती। तो सरस्वती ओम राधे के द्वारा जो बेसिक नॉलेज में वाणी चलाई उसका क्लैरिफिकेशन मिलता है। ब्रह्मा बाबा वाणी का विस्तार नहीं कर पाते थे, इतना गहराई से विद्या की देवी सरस्वती वाणी को समझती थी, उतना गहराई से ब्रह्मा बाबा नहीं समझते थे। यही कारण हुआ कि 66 में जब 10 वर्ष की घोषणा कराई थी, पुरानी दुनिया का विनाश होगा 75 में और नई दुनिया की स्थापना होगी, उस घोषणा का सही अर्थ न समझ पाने के कारण अम्मा सरस्वती ओम राधे की नौ मौजूदगी में ब्रह्मा बाबा ने बाहर की पब्लिक को संदेश दे दिया, राष्ट्रपति को मेमोरेंडम दे दिया कि 10 वर्ष के बाद दुनिया खलास हो जावे, ना खलास हो जावे तो ये हमारे सारे सेंटर सरकार अपने कंट्रोल में कर ले। उस समय मम्मा मौजूद नहीं थी, अगर मम्मा मौजूद होती तो उस बात की गहराई को समझती कि एक तरफ तो मुरली में बोला है विनाश ज्वाला है समुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई, क्या
रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी, तो रुद्र यज्ञ के आसपास बैठे वाले ब्राह्मणों ब्राह्मणियों को पहले सेक आएगा या दुनिया वालों का पहले विनाश होगा? ब्राह्मणों की दुनिया का पहले विनाश होगा। तो बात की गहराई को बच्चा बुद्धि ब्रह्मा तो समझ नहीं सका, तो उन्होंने घोषणा करा दी। मम्मा उस समय बम्बई के हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुई थी, ब्रह्मा के द्वारा जो पाठ था वो ब्रह्मा के द्वारा पाठ थे। ब्रह्मा के अंदर भी सहन शक्ति का पाठ बजाने वाली शक्ति कौन थी? शिव। और सरस्वती के अंदर समझदारी का पाठ बजाने वाली शक्ति कौन थी? जो वाणी का क्लेरिफिकेशन देती थी, एक एक पॉइंट को उठा करके उसकी गहराई में जाती थी, वो कौन था? पावर कौन सी थी? और शिव की ही पावर थी। ये चार ब्रह्मा गाए हुए हैं। ज्ञान में रात होती है, ब्रह्मा जब तक बुद्धि में नहीं बैठता है, कृष्ण की बुद्धि में जब तक न बैठे कि गीता का भगवान साकार में कौन है। अभी तक भी ब्रह्मा और कृष्ण की आत्मा की बुद्धि में ये बात बैठी कि गीता का भगवान साकार में कौन है, बैठी है नहीं बैठी? तो ब्रह्मा की रात है या ब्रह्मा का दिन है? ब्रह्मा की रात ही कहेंगे, प्रजापिता ब्रह्मा का रात और दिन नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि प्रजापिता में तो मुकर्रर प्रवेश है, जिसका शिव का, इसलिए जिसमें शिव सदा शिव प्रवेश है, ज्ञान सूर्य ही जिसमें प्रवेश है, उसमें रात होने का सवाल ही नहीं। लेकिन गाया किसके लिए जाता है, ब्रह्मा के लिए या प्रजापिता के लिए? ब्रह्मा के लिए गाया जाता है। ब्रह्मा की रात तो ब्राह्मणों की रात, ब्रह्मा का दिन तो ब्राह्मणों का दिन। ब्रह्मा जब तक अंधेरे में है तो ब्राह्मण भी अंधेरे में है, ब्रह्मा जब सोझरे में आएगा तो ब्राह्मण भी सोझरे में आएगा। अकेला प्रजापिता भाड़ जैसे चना भाड़ नहीं छोड़ता अकेला, ऐसे प्रजापिता कुछ नहीं कर सकता। माता गुरु जरूर चाहिए, एक के पावन बनने से सारी दुनिया पावन बन जाती, एक के पतित बनने से सारी दुनिया पतित बन जाती, एक के ऊपर सारा मदार। और अंतिम होने के बाद ही अंत होता, फिर त्रेता और द्वापर के बीच में थोड़ा प्रलय हुआ, ऐसे दिखा। अंत कहाँ हुआ? प्रलय हुआ, आधाई प्रलय थोड़े कहते हो, प्रलय तो कभी होती नहीं। प्रमाणा प्रकाश स्वरूपेण लय माना लीन हो जाए, कुछ भी नहीं, ऐसा तो कभी होता ही नहीं। पृथ्वी भी रहेगी, सूरज भी रहेगा, पांच तत्व भी रहेंगे, आत्माएं भी रहेंगी, सब कुछ लय हुआ क्या? सब कुछ लय होता ही नहीं। तो ना द्वापर के आदि में, ना माना त्रेता के अंत में प्रलय होती है, ना कलयुग के अंत में प्रलय होती है, प्रलय की तो बात ही नहीं। लेकिन त्रेता के अंत में आधा विनाश होता है, उसको प्रलय नहीं कहेंगे। विनाश इसलिए होता है कि जो आत्मा है वो आत्म की स्थिति उतर करके देहभान में आ जाती है, दस इंद्रियों में पहुंच जाती है। पहले तो त्रेता के आदि में
और त्रेता के अंतिम जन्म तक भी आत्म की स्थिति रहती है, माने जो शक्ति है वो ऊपर करने वाली रहती है। और जैसे ही इब्राहिम की सोल इस शक्ति पर आती है, वैसे ही जो देवताएं हैं वो भ्रष्ट बुद्धि हो जाती है। दुनिया में भी विचार फैलने लगता है, इसलिए फिर आधा विनाश हो जाता है। जब अति हो जाएगी व्यभिचार की, पूरा ही विनाश हो जाएगा। अभी थोड़ा फिर भी भारत में प्योरिटी की मान्यता है, अभी भारत में नास्तिकों का राज्य नहीं आया है, ऐसा भी टाइम आएगा कि कोई क्रिश्चियन को प्रेसिडेंट बना करके बैठा देंगे। और क्रिश्चियंस के दो रूप हैं, एक क्राइस्ट को मानने वाले, गिरजाघर को मानने वाले, और दूसरे हैं बिल्कुल नास्तिक, न क्राइस्ट को मानते, न गॉड फादर को मानते, न स्वर्ग को मानते, न नरक को मानते, न आत्मा को मानते। तो वो अम्मा बाप को क्या मानेंगे, बहन और बेटी को क्या मानेंगे? स्कूल दुनिया का स्कूल सूफी ही उनकी बुद्धि में समाता है, भावना नाम की कोई चीज नहीं, श्रद्धा विश्वास नाम की कोई चीज नहीं। ऐसों के हाथ में जब शासन आ जाएगा तो दुनिया का विनाश भी होगा। अति हो जाती है, हाँ जगाधारी दिखाते हैं, हाँ जी, शिव के ही तो जलाधारियां हैं, शिव की ही तो शक्तियां हैं, हाँ, शिव एक है और जलाधारी के रूप अनेक हैं, शिव एक है शक्तियां अनेक हैं, ऐसे नहीं शक्ति भी एक है और शिव भी एक है, नहीं, शिव का साकार रूप भी एक है और शिव की साकार शक्तियां अनेक हैं। उन्होंने 12 रूप दिखाए गए हैं जलाधारी के रूप में, कहीं गुफा के रूप में दिखाया है, कहीं बहुत बड़े गड्ढे के रूप में दिखाया है, कहीं ऊंचा जलाधारी दिखाई गई है, छोटी जलाधारी दिखाई गई है, कहीं बड़ी जलाधारी दिखाई गई है। सब अलग अलग रूप प्रदर्शित किए गए और गणेश तो सब गणेश नंबर वार है, सब अर्जुन है, सब नंबर वार भीम है, सब नंबर वार सहदेव है। जिसने जैसा पार्ट बजाया वैसा उसका रूप बना के रख दिया है। और गणेश की मूर्तियां सारे भारत में फैली हुई है, तो गणेश क्या सर्वव्यापी हो गया था? गणेश का मतलब है कि सिर्फ दो बच्चे पैदा हुए, एक कार्तिकेय के रूप में बड़ा बच्चा दिखाया है, क्या इसके 6 मुख दिखाए, 6 मुख से बात करता था,
हे मुख का मतलब है इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन, सन्यासी मुस्लिम सिख, इन छह धर्मों की बात करता था, माने भक्ति मार्ग की ही बातें करता था, ज्ञान की बातें नहीं करता था, इसलिए तनमुख दिखाते हैं, छह मुख वाला। और एक बच्चा ऐसा है जो बाद में जन्म लेता है, जो विधर्मी है, विदेशी है, ये पहले जन्म लेते हैं, असुर पहले जन्म लेते हैं या देवता पहले जन्म लेते हैं, असुरों का जन्म पहले है, इसलिए कार्तिकेय का जन्म पहले और गणेश का जन्म बाद में निकालते हैं। गणेश जो है गण ईश, दो शब्दों को मिला के बनता है गणेश, गण माना देवगण और उनका मुखिया, तो पहला पहला गणेश कौन हुआ? कृष्ण की आत्मा ही पहला पहला गणेश हो गया। नंबर वार चार से दस साल समान बच्चों को सुनने के लिए, ऐसे बच्चों को वज्र समान हाँ बच्चे समान बच्चे कहाँ से निकाल लिए? कैसे तुम्हारे बच्चे समान बच्चे है? बच्चन काया वाले बच्चे तो 4.5 लाख होंगे, वो 4.5 लाख सब बच्चे समान होंगे तो 10 वर्ष में चुनाव हो जाएगा। दस वर्ष में 4.5 लाख का चुनाव हो जाएगा है? अंत तक तो होगा। 4.5 लाख जो है वो 4.5 लाख बच्चों को जन्म देंगे तो अंत तक संपन्न बनते रहेंगे, अंत तक जन्म देते रहेंगे, जो जो संपन्न बनते जावेंगे वो संपन्न बच्चों को जन्म देते जावेंगे, खुद ही संपन्न नहीं बने होंगे तो रचना कहाँ से रचेंगे? आखिरी तो हीरा समान बनना ही पड़ेगा क्योंकि सब हीरो कार्डधारी हैं। आखिरी तो मतलब हीरा अभी हीरा नहीं है, लेकिन जन्म तो नहीं हुआ। जन्म कैसे होता है? कोई स्कूल जन्म होना है, हम तो जैसे तो स्थूल में जन्म होना है, वो तो कृष्ण है, सत्युग का जो कृष्ण होगा उसका स्थूल में जन्म होगा, वो दुनिया तो नहीं देखेगी न जानेगी, गॉड फादर को दुनिया जानेगी मानेगी भी अपने अपने तरीके से मिलेगी भी। सबको पता करने की दरकार भी नहीं है क्योंकि सब इंटरेस्टेड भी नहीं है स्वर्ग में। जो 10 करोड़ देवताएं इंटरेस्टेड हैं स्वर्ग की दुनिया में उनको भी पता करने की दरकार है, बाकी तो पैराडाइज को जन्नत को जानते नहीं मानते भी नहीं और कभी जाते भी नहीं। पता चला अखबार नहीं है, टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है, आदि शंकराचार्य राजा के
उसमें पूर्ण प्योरिटी की पावर होती है, तो प्योरिटी की पावर से वो अपने शरीर को या देह भान को भूल सकता है। वो भी संपन्न स्टेज में थे, क्योंकि आज से आई हुई आत्मा 8 वर्ष के बच्चे में प्रवेश करती है, पावरफुल आत्मा है। इसलिए झाड़ के चित्र में एक मोटी जड़ दिखाई गई है भारत की ओर, दाई ओर। वो मोटी जड़ है शंकराचार्य के संन्यास धर्म की, जिसके लिए बोला है कि संन्यास धर्म की आत्माएं जब निकलेंगी तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। पावरफुल धर्म, तो धर्म की जो मुखी आत्मा होगी उसमें तो ज्यादा पावर होगी ना। अंत समय में उन्होंने अपने शरीर को जड़वत बनाया, आत्मा अलग हो गई और उस जड़वत शरीर को गुफा में छोड़ दिया, कोई राजा के अंदर प्रवेश कर गए। राजा ने शरीर छोड़ दिया और उसमें उन्होंने प्रवेश कर लिया कोई कार्य संपन्न करने के लिए। ऐसे हम बच्चों को भी बोला है कि तुम बच्चे भी अंत में ब्रह्मा की तरह दूसरे के शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजा देंगे। एटम बम बनाने वालों में इतनी ताकत नहीं है कि अपनी बनाई हुई इतनी जघन्य रचना को प्रयोग में ला सके। तुम उनमें प्रवेश करके उनके द्वारा ये काम करावेंगे, उनकी बुद्धि को प्रेरणा देंगे और वो निमित्त बन जाएंगे। बाबा वो बोलते हैं परब्रह्म अलग है। वो तो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, उनके बोलने पर हम जाएंगे तो हम तो भ्रमित हो जाएंगे। दुनिया वाले तो क्या क्या बोलते रहते हैं, हमें तो बाबा ने जो बताया है कि मैं हूँ शिव, जिसमें प्रवेश करके रहता हूँ वो है ब्रह्मा। माने जिस तन में भी मैं प्रवेश करता हूँ वो जैसे मेरा निवास स्थान है, इसलिए कहता हूँ मेरे को याद करो। अच्छा मेरे को याद नहीं करो तो मेरे घर को याद करो। तो जिस शरीर में प्रवेश करता हूँ वो मेरा घर है ना, घर को याद करेंगे तो भी पावर आएगी। इसलिए शिवलिंग को लाल लाइट का गोला दिखाते हैं, वो हो गया घर और उस घर में रहने वाला है बिंदु सुप्रीम सोल। और बाबा 2007 का विशेष में क्या विशेष 2007 की सत्य शब्द से बनता है सात। क्या जब सात नारायण इकट्ठे हो जाते हैं तो आठवां सत्य आ जाता है। आठवां नंबर जन्म किसका हुआ, कृष्ण का। ये सात जो है वो सत्व को पैदा करता है। और 87 में क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा ने माउंट आबू में आना बंद किया था क्या, हाँ, और एडवांस पार्टी की प्रत्यक्षता हुई थी। सत्य प्रत्यक्ष हुआ दक्षिण भारत से, तब तक सत्य प्रत्यक्ष नहीं हुआ था। 76 में दिल्ली से नहीं प्रत्यक्ष हुआ, कहाँ से प्रत्यक्ष हुआ, जब 87 आया। ऐसे ही 97
97 के बाद क्या आता है 98 98 में एक कृष्ण जन्माष्टमी ऐसी मनाई गई कि उसी दिन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भी पड़ गया और सत्य प्रत्यक्ष हो गया कि भगवान का पार्ट कौन है, कहाँ है, किस कोने में। अखबारों से प्रत्यक्ष हुआ, टीवी से, रेडियो से, ऐसे ही 2007 भी सन 77 संपूर्णता वर्ष, सन 76 नहीं संपूर्णता वर्ष, बाप का प्रत्यक्ष होना शुरू तो हुआ लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हुआ पूरा, 77 हुआ प्रत्यक्षता वर्ष। ये सत शब्द जो है, सत चित्त आनंद, अकेला चाना भाड़ा नहीं फोड़ता, अष्टदेव है उनमें जो पहला देव है देव देव महादेव, अकेला कुछ नहीं कर सकता, कितने और चाहिए हैं? हैं? सात और चाहिए, एक अकेला कुछ नहीं करेगा, सात चाहिए तब नई दुनिया का फाउंडेशन पड़े। और द्वापर युग के आदि के तीन सीढ़ियों को आधा आधा दिखाए हैं। द्वापर युग की आदि की तीन सीढ़ियां नहीं है, त्रेता के अच्छा त्रेता के अंत की तीन सीढ़ियां आदि है और द्वापर के आदि की तीन सीढ़ियां आदि। इनका मतलब ये है कि वहां से फाउंडेशन पड़ना शुरू होता है रावण राज्य का, पहले अधूरा फाउंडेशन, थोड़ा और बढ़ता है, दो तीन जन्म लहर लग जाते हैं पूरा फाउंडेशन पड़ने में, रावण राज्य का फाउंडेशन पड़ने में। जड़ पहले महीन होती है फिर धीरे धीरे मोटी जड़ होती है, एकदम जड़ मोटी नहीं हो जाती। ऐसे ही त्रेता युग दुनिया खलास होने में टाइम लगता है, पहले थोड़ा खलास होता है, थोड़ा सा भूकंप आया होगा, फिर और बड़ा भूकंप आया, लास्ट में पूरा ही बड़ा भूकंप आया और स्वर्ग के महल माणियां अटारियां जो भी थी वो सब गर्त में समा गई, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी थे वो सब समुद्र के गर्त में चले गए। अभी फिर टोटल विनाश होगा और सोने की चांदी की हीरों की जवाहरातों की खानियां सब बाहर आ जा गई। भारत में चारों रोशनी ही रोशनी दिखाई देगी। तब किस तरह से जब रावण का राज्य छोड़ा था हमने तब विनाश हो गया। राम राज्य का विनाश हुआ, रावण राज्य की शुरुआत हुई। अभी तो 7 रोज के अंदर सारी दुनिया का विनाश होने। लगातार मूसलाधार पानी गिरेगा, सारी दुनिया बर्फ में समा जाएगी। इतना गहरा समंदर जिसका आज तक किसी ने हाहा नहीं ले पाई, किसी ने जान नहीं पाया समुद्र की गहराई कितनी है। तो समुद्र का पानी सारा भाप बनकर के ऊपर उड़ेगा और पृथ्वी के चारों ओर बर्फ जम जाएगी। तो कब हो तो आपके पास देने के लिए था है? आती है देने के लिए क्या आपके पास पृथ्वी आती है कहने के लिए? आपके पास पृथ्वी आती है कहने के लिए?
कहने के लिए प्रकृति आएगी कहने के लिए, क्या कहने के लिए आएगी? प्रकृति क्या कहने के लिए आएगी? आपके पास आए क्या कहने के लिए आएगी? अपनी भाषा में बोलो इनको, ये कोई बताएंगे? अपनी भाषा में तो बताओ। संगम में पूरा होगा तो संगम तो कल्याणकारी है, कल्याण कैसे पूरा होगा? राय का प्रश्न है, हाँ, ये प्रकृति बाप के पास, बाप के पास कहने के लिए आता है। क्या कहने के लिए आता है? क्या क्या तुम्हें मालूम है? ये प्रश्न है, ये क्या कहने के लिए आता है? पावन करो तो जब आदमी हाथ उठाएगा तभी तो कहेगा कि हमको भी पावन बनाओ, तो अपनी ताकत दिखाना बंद करेगा ना। जब तक समझेगा मैं भी पावरफुल हूँ तब तक झंडा थोड़े ही नीचे गिराएगा। क्या प्रकृति भी रावण का सिर है? प्रकृति के पांच तत्व पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, ये रावण के पांच सिर हैं। जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये माया के पांच सिर हैं। ये दस सिर मिलकर के रावण का रूप बनते हैं। पहले माया सरेंडर होगी कि पहले प्रकृति सरेंडर होगी? माया पहले सरेंडर होगी कि मेरे को पावन बनाओ, झुक जाएगी पूरा। फिर प्रकृति भी सरेंडर होगी, प्राइमाम। पूरा विनाश हो जाएगा। 9 लाख लोग माउंट आबू कहते हैं, 9 लाख लोग माउंट आबू एक ही बार पहुंचेंगे। माउंट आबू कहाँ विनाश होने के बाद माउंट आबू रह जाएगा? तपस्या भूमि रह जाएगी, स्वर्ग बचेगा या माउंट आबू बचेगा? स्वर्ग बचेगा, वहाँ प्रकृति का कोई प्रकोप नहीं होगा, जहाँ निर्विकारी लोग होंगे। बाकी विकारी दुनिया का सारा रेल खलासा। नया नया घर बनता नहीं होगा? जो नए नए घर बनाता है वो बनाते कौन है, विकारी बना रहे हैं कि निर्विकारी बनने वाले बना रहे हैं? तुमने बनाया तो नहीं है? बनाया है। बाबा महाभारत में गुरुओं को गुरु दक्षिणा देते हैं ना, गुरुओं को ज्ञान देते हैं। दक्ष किसे कहते हैं? दक्षिणा कहते हैं ना। दक्ष किसे कहा जाता है? दक्ष कहते हैं ट्रेंड को, प्रवीण को। क्या? जो राजयोग में प्रवीण हो जाते हैं, दक्ष हो जाते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं, वो फिर गुरु को दक्षिणा देते हैं कि अब हम रेडी हैं, क्या जो काम कराना है तो अब हमसे कराओ। गुरु को दक्षिणा मिल जाती है, गुरु की मेहनत सफल हो गई, शिष्य जो है दक्ष हो गया, ट्रेंड हो गया, प्रवीण हो गया, काम करने काबिल हो गया। पहले नकामा था, गुरु की दक्षिणा हो गई।
नवग्रहों में सूर्य को भी की जगह है, मगर साइंस वालों ने सूर्य को ग्रह नहीं कहते, वो तो स्टार है, सूर्य को ग्रह नहीं कहते है, वो तो सितारा कहते हैं, सूर्य सितारा है। अच्छा, और बाकी बाकी सितारे नहीं है, वो ग्रह है, वो सितारे नहीं है, वो चमकते नहीं है, नहीं ग्रह तो चमकते नहीं, वो तो ग्रहों से भी ऊंचा है, नक्षत्र है। हाँ, सूर्य तो नक्षत्र, सूर्य नक्षत्र है, नक्षत्र ऊंचा या ग्रह ऊंचे, क्यों नवग्रह में जो भी नवग्रह बनाए जाते हैं तो ऐसे जो लाइनें बनाती है चारों तरफ आठ ग्रह और बीच में नौवां है, इसलिए वो नक्षत्र है, वो सबको रोशनी देने वाला है, तो ग्रह नहीं है, वो ग्रहपति है सबका, सबका मुखिया है, सबको रोशनी भी देने वाला है। नवग्रह, नवग्रह में मुख्य है, जो मुख्य है उसको नक्षत्र कहते हैं, जो नक्षत्र होते हैं वो स्वयं की रोशनी से टिमटिमाते हैं, और जो ग्रह होते हैं उनमें अपनी रोशनी नहीं होती है, वो नक्षत्रों से रोशनी लेकर के टिमटिमाते हैं, और वैज्ञानिक लोग तो विदेशी होते हैं स्वदेशी होते हैं, है? कौन होते हैं? विदेशी होते हैं, तो जो विदेशी हैं वो गृहस्थी को मानेंगे या सिंगल को मानेंगे, वो तो सिंगल को मानने वाले हैं, इसलिए सूर्य को अकेला कर दिया उन्होंने, वो गॉडफादर इज वन कहते हैं, और भारत में पिता के साथ साथ किसकी मान्यता है, माता की भी मान्यता है, वो है स्वदेशी, और वैज्ञानिक है विदेशी, इसलिए उन्होंने उसको गर्भगृह से अलग कर दिया, गॉडफादर इज वन, गॉड फादर के साथ गॉड मदर को मानते ही नहीं, हिंदी जानने वाले हैं वो ही पूछ रहे हैं, भाषा न जानने वाले क्या बेटे कभी बनती है, यमने भिखारी बनते हैं, आत्मा निर्विकारी बनेगी बने, माताओं के बीच में एक तो हिंदी जानने वाला बैठो, एक ही आपस में गुसार करती रहती, कॉन्फ्रेंस होती रहती है, पता ही नहीं चलता, है कुत्ता है, कुत्ता लेकिन स्वर्ग में गया कि नहीं देवता बन के, अभी तो बोला वही है काम अनंग, काम लेव को भस्म कर दिया, फिर उसकी स्तुति की गई, उसकी पत्नी ने स्तुति की, तो फिर उसको कहा कि हाँ चलो होगा दुनिया में, लेकिन उसको अंग नहीं होगा, काम विकार की मार करने वाला अंग ही नहीं होगा, तो जैसे देवता होगा, ऐसे नहीं कि ये होते नहीं है, बीज रूप स्टेज में है, विष्णु को चार बीजे दिखाए वो तो सही और बता दिया, ऐसे ही जो रावण का दस चेहरा है वो ये भी शरीर में दिखाया है, तो दस का संगठन हुआ है, एक तो वो दस तो दस मत है बताया, दस मते हैं लेकिन फिर भी आपस में एक दूसरे से मेल जोल करके, नहीं दस मत होने से कैसे मिल पा रहे हैं, सर मैं भी करेंगे, मेरे में भी है, तेरे में भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, जो पावरफुल हो वही भगवान बन के बैठ जाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, पंचायती राज है, दसों को एक ही शरीर में निकल जाए, देख लो, अरे दुनिया में दस धर्मों का राज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एक राशि क्यों नहीं चल रहा,
इतना लड़ाई कर रहा ना वो माया, क्या हुआ ना कहते, क्यों इतना लड़ाई कर रहा वो बात के पास? नंबर जो क्लियर होने नंबर कैसे मैंने ये 500 करोड़ वा, ये 33 करोड़ वा, ये हीरो पाठधारी है उसका एम आप जब कहा तो बाबा ने उसको उस काम दिया हुआ है, तू भी मेरी बच्ची है, देखो काम ले रहा हूँ क्या माया, जो बच्चे मेरी सेवत पे नहीं चलते उनको खूब फटकाओ, खूब नाक रगड़ो उनको। तो बाप का बच्ची है माया? हाँ बच्ची है, उसका एम आपदे क्या है माया का? एम आपदा ये है कि बाप का सहयोगी बनना, अपने काम में मुस्तैद है वो, बाप की सहयोगी है फर्स्ट क्लास, इतना सहयोग करती है, इतना सहयोग करती है कि 12 न्यारा करवा देती है। तो इतना लड़ाई का कारण बाप है? बाप का ही बाप थोड़ी लड़ाई का कारण, लड़ाई के कारण बच्चों की अपनी अपनी जगह में, बाप कहाँ कहते हैं लड़ो, बाप तो पांडव बच्चे बनाते हैं, पांडव बच्चे लड़ाई होगा नहीं, पांडव बच्चे लड़ते हैं नहीं, वो लड़ रहा ना हमारे पास आप है, पांडव नहीं लड़ता, गौरव आपको लड़ाई कर रहा ना हमारे पास, क्यों बनते हो पर गौरव नहीं बनते, मैं पांडव हूँ उसके लिए मेरे पास आप लड़ाई करो, तुम तो लड़ाई लड़ो भाई जी, दोनों हाथों से ताली बजेगी एक हाथ से बजेगी, जब लड़ाई होगी तो दो हाथों से लड़ाई होगी या एक हाथ से लड़ाई होगी, दो हाथों से लड़ाई, मानो पत्नी है बांधेली है, पति जबरदस्ती करता है तो जबरदस्ती करता है, आप पत्नी भी हाथ पांव चलाने लगे, लाठी डंडा मारने लगे, जूता मारने लगे, तो बाबा की श्रीमती की वरिलाफी की ना, पांडव है तो कौरव बन गई, बाप का बच्चा कहाँ बन गई, सुसाइड कर को आग लगा को आत्मा निकल जाता है ना, वो फिर जन्म लेता है लेकिन किसी से पकड़ को ऐसा करता है क्या, सूक्ष्म प्रेत डाल करता है, भूत प्रेत बनता है, भूत प्रेत, भूत प्रेत खुद भी तंग होता है, जो खुद तंग होने वाला है वो दूसरों को भी तंग जरूर करेगा, दूसरा जन्म नहीं, खुद से तंग हो गया ना तो दूसरों को भी तंग करेगा, लेगा लेकिन वो इतनी पापाचारी आत्मा है कि सुसाइड करके हत्या करती है, नहीं तो दूसरों की हत्या कर देती है, तो जिनकी हत्या होती है एक्सीडेंट में जो मरते हैं, अचानक जिनकी मौत हो जाती है वो महापापी के लिस्ट में होते हैं, तो ऐसी महापापी आत्मा है उनके पाप ज्यादा न बढ़े इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है, और सूक्ष्म शरीर लेकर के दूसरों में प्रवेश करके उनसे पाप करवाते हैं, क्योंकि शरीर से ही पाप बनता है, बाद में वो शरीर में, बाद में शरीर ले लेते हैं, नहीं बाबा दूसरों में प्रवेश करके पाप करता है ना, पाप वो कर, उसको कराते हैं, फिर उसका हिसाब इसको भी आएंगे ना, उसके साथ जो हिसाब किताब था वो पूरा कर लिया, बाबा मनोबुद्धि को आत्मा कहते हैं, मनोबुद्धि को आत्मा कहते हैं, जब ये आत्मा सपना लिखता है या बैठे बैठे और कहीं उसका मनोबुद्धि चला जाता है तो उसका शरीर में आत्मा, हर शरीर से आत्मा निकल जाता है, आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जो बांध के रखी जाए, वो तो सूक्ष्म चीज है, जैसे कहते हैं ना परम नाम में आत्माएं रहती हैं, है? तो परम नाम क्या ऊपर है कि नीचे है कि दाई ओर है कि बाई ओर है, किधर है, किधर रहती है आत्माएं, एक फरलांग बावन होता है, एक फरलांग जगह चाहिए आत्मा को रहने के लिए, तो किधर है वो परम नाम, जहाँ आत्माएं रहती हैं वो परम नाम एक फरलांग के दायरे में है, वो किधर है, ऊपर है कि नीचे है कि दाई ओर है कि बाई ओर, किधर है, मैंने है ही नहीं, सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार नहीं है, पार है तो ये तो सूरज चांद सितारों की दुनिया है,
इससे पार होगा तो किधर है? ऊपर है, नीचे है, दाई ओर है, बाई ओर है, सामने है, पीछे है, किधर है? नहीं, जब आत्मा अपनी संपन्न चीज को प्राप्त होती है तो आत्मा इस पृथ्वी के वायुमंडल से वायुमंडल को घेर के रहती है, आधिपत्य हो जाता है संपन्न चीज। जो जितनी पावरफुल आत्मा होगी वो उतना ही ज्यादा दायरा अपनाएगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट, उसको क्रॉस करके कोई आत्मा नहीं हो सकती, वो सबको लपेट के रहता है। उसकी लपेट में 500 700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्मा है, पावरफुल मनुष्य है, वो सब उसकी लपेट में। ऐसे ही प्रजापिता, प्रजापिता वाली आत्मा जो है उसकी लपेट में सब होंगे, सुप्रीम कोर्ट उसकी लपेट में नहीं होगा। ऐसे ही और रुद्रमाला जीवन के नंबर वाले, ऐसे ही जो कीड़े मकोड़े हैं इनमें भी आत्मा है, वो कोई मनुष्य को क्रॉस करके नहीं रहेंगे। पृथ्वी गोल, गोल पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल, गोल पृथ्वी उसके चारों तरफ वायुमंडल, वायुमंडल के चारों तरफ स्पेस, स्पेस में सूर्य चांद सितारे, उस स्पेस से भी परे चारों तरफ क्या है? परम धाम। उस परम धाम में वो आत्माएं अपने दायरे को घेर के रहती है। इस शरीर में ही, इस शरीर में आत्मा चारों तरफ कंट्रोलर है। इस शरीर के अंदर आत्मा है तो ज्योति बिंदु, लेकिन पूरे शरीर को कवर करके रही हुई है। तो जो परम धाम में आत्मा है वो भी कवर करके रहने वाली है। जो जितनी पावरफुल वो उतनी ही परे पृथ्वी के पांच तत्वों से, और जितनी ही कमजोर वो उतनी ही पृथ्वी के पांच तत्वों से नजदीक। पेड़ पौधे हैं इनमें आत्मा है कि नहीं है? नीचे से जरा काट दो तो ऊपर क्या होता है? कुमला जाता है। क्यों कुमला गया? जैसे हमारे आत्मा को काटे जाए तो हमारी क्या हालत होती है? तो ऐसे ही ये जड़तुमयी आत्मा है, वो जड़तुमयी आत्मा कीड़े मकोड़ों से भी नीची स्टेज में होती है। शिव बाब का श्रीमत रावण आने का पहले क्यों नहीं मिला? रावण आने के पहले स्वर्ग होता है कि नरक होता है? तो स्वर्ग में क्या देखो, स्वर्ग में तो सुखी है। एडुकेशन मिलना ना, क्या बाप कौन है दुश्मन कौन है तब वो तो अभी मिल गया ना। बाप कौन है का पहले? हाँ, अभी मिल गया, सब हो गया ना, अभी मिल सब गया, गया, गया ना। तो अभी मिल गया तो अपना उसको अच्छी तरह से काबिल होकर के रहो ना। अभी गया ना बाबा, अभी राम की आत्मा कैसे इतना धारण कर लेती है जो 84-83 जन्म तक लड़ती रहती है? क्यों नहीं बोला बाप ये क्या रावण है दुश्मन है इसका क्या पैसा है ऐसा क्या? अभी तुमने पहचान लिया पूरा इसका कि कौन रावण है कौन राम है? अच्छा, अभी मिला ये पहले कि अभी पूरा पहचान लिया? नहीं, अभी पूरा पहचान नहीं पाया। अभी जो मिल रहा है, जो हमें पहचान मिल रही है, वो पूरी पहचान अभी भी हम उतनी धारण करें तो वो जन्म जन्मांतर हमारी काम आएगी। अगर राम वाली आत्मा और राम की सहयोगी आत्माएं उसको पहचान लेती है और पहचान करके उसका निराकार का रूप बना दिया द्वापर युग से, तो पहचानती है तभी तो उन्होंने बनाया, नहीं तो वो सितारा क्यों लगाया होता शिवलिंग में सोमनाथ मंदिर में? जानती थी ना, अभी भी उन्होंने धारणा की वो जानेंगी। अभी जो धारणा में ठीक उलट जाते हैं वो नहीं जाने। अभी देखो वो डॉक्टर अनिल बम्बई के, ऐसी ढेर आत्माएं हैं जो कहती नहीं राम की आत्मा अलग है ही नहीं, सिर्फ जो शिव है वो ही राम है। जैनी लोग सब यही बात मानते हैं कि भगवान अलग से कोई निराकार होता ही नहीं, जो मनुष्य है वो ही पुरुषार्थ करके भगवान तीन शंकर बन जाते हैं। अभी भगवान के आने पर ही जब ऐसी धारणा है,
अपना अपना अपने अंदर संस्कार भरे हुए हैं आत्मा में, जैसा जिसमें पार्ट भरा हुआ है वैसा मजा नहीं। अरे सीधी सी बात, राम वाली आत्मा जब 83-84 जन्म असत्य से लड़ सकती है, संघर्ष कर सकती है, भगवान को जान सकती है, पहचान सकती है, तो हम नहीं पहचान सकते? अर्थदेव जब राम वाली आत्मा का सहयोग दे सकते हैं जन्म जन्मांतर, तो हम क्यों नहीं पहचान सकते? वो कैसे रावण से लड़ लेते हैं? तो गलती हमारी है कि रावण की गलती? गलती तो हमारी है। द्वापर में वही भगवान का तो चलेगा, बच्चे सब किसको मालूम वो दुश्मन करते हैं? तो अर्थदेव कैसे पहचान लेते हैं ये दुश्मन है, ये हमारा भगवान है, हमें इसको सहयोग देना है, इसको सहयोग नहीं देना है, इसका विरोध करना है? यहाँ संस्कार भरे, किसी को मना कर दिया तुम संस्कार मत भरो? मना तो किसी को नहीं किया। संगम पर एजुकेशन मिल रहा है, संगम से शूटिंग हो रही है ना। अच्छा, जैसी शूटिंग होगी वैसा ही वहाँ ड्रामा चलेगा ना। बढ़िया शूटिंग करा ये तो हमारी मुट्ठी में तो माया का स्टार्टिंग मिला नहीं ना, एजुकेशन नहीं ना, कैसे ना कैसा है उसका कैरेक्टर, क्या जैसा लेन में गया था क्या हुआ था, तो अब मिल गया, अब भी मिला सबको, अब मिल गया। बाबा कहते हैं अंत मत सुगते सब हो गया ना, अभी अंत मत सुगते कर लो। ये भी कह दिया अंत में जो अभी अभी आ रहे हैं बच्चे लास्ट में, उनमें से भी कोई ऐसे देव में आ जाएंगे, अभी भी मार्जिन है, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी सिर्फ लेट का बोर्ड लगा है, दो ही डिक्लेयर हुए हैं अभी। बाबा ये शूटिंग क्या 2036 तक होंगे क्या? नहीं, 18 में बंद हो जाएंगे क्या शूटिंग? 2036 तक होंगे क्या? नहीं, क्या डाल दिया? 18 में बंद हो जाएंगे क्या, खत्म होंगे क्या शूटिंग? जब तक ब्रॉड ड्रामा शुरू नहीं होता है तब तक शूटिंग चलती ही रहती है। ब्रॉड ड्रामा कब शुरू होगा? 2036 जब सारी दुनिया गर्त में चली जाए। बाबा सब जो लास्ट नंबर में पट्टी करेगा वो अष्टदेव में आ सकता है? लास्ट नंबर में भट्टी करेगा तो मतलब लास्ट में जो भट्टी तो चलती रहेगी, 8 डिक्लेयर हो जाएंगे भट्टी चलती रहेगी, 108 डिक्लेयर हो जाएंगे भट्टी चलती रहेगी, फिर आप ये कहेंगे अब हम 8 में आ सकते हैं कि नहीं? अभी तो लेट का बोर्ड लगा है, अभी ही लेट का बोर्ड लग गया है। आप कह रहे हो लास्ट कब होगा? लास्ट में जो आप हुए मर गई दुनिया, अभी लास्ट कब? कोई कोई बताता है कंपनी में भट्टी करे तो उन लोग राजा होंगे, फरुखा भाई दिल्ली में करेंगे तो दिल्ली में करने वाला रानी है, फरुखा भाई करने वाला प्रजा है। हमारा स्वभाव संस्कार जो है वो दूसरों की बातें सुनने का क्यों बन रहा है? बाबा ने क्या बोला? ये बुद्धि हमारी क्यों नहीं चलती? ये तो कोई बात ही नहीं होती, ये तो ऐसी ही बातें चलती रहती है जैसे ब्रह्मा कुमारी में चल रही। 7,000 देंगे तो सतयुग में आ जाएंगे, 3,000 देंगे तो त्रेता में आ जाएंगे। कुछ भी कहे बस मान लेना। फिर खड़ी क्या हुआ क्या कंपनी में जो बिल्डिंग बना रहे हैं उसको हम सब सहयोग दे सकते हैं?
कैसे? किसी ने मना कर दिया क्या? कैसे देना? बिल्डिंग बनती है तो पैसे सहयोग दिया जाता है। पैसा देना कोई जरूरी पैसा ही दिया जाए? जिसके पास पैसा नहीं है वो सहयोग नहीं दे पाता है। जिसके पास जो ताकत है वो अपनी लगाएगा, जिसके पास समय की ताकत है, पैसा भी नहीं है, तन भी इस काबिल नहीं है, लेकिन समय है, इंजीनियर है, यहाँ बैठे बैठे नक्शा बना देगा। बाबा ऐसा नक्शा पसंद आया? अच्छा नहीं पसंद, क्या पसंद? नहीं ये पसंद नहीं, अच्छा ऐसा, अच्छा ऐसा नहीं, ठीक है, अच्छा ये ठीक है, ये ठीक नहीं, अच्छा जो नहीं ठीक है वो चेंज कर देते, नक्शा बना तो सहयोग तो दे रहा है ना। अच्छा चलो सब लोग इंजीनियर कम से कम मजदूर तो बन सकते हैं। माता जो जो काम करने वाले हैं उनको रोटी दाल खिलाने वाले नहीं चाहिए है? जो कैसे कैसे करने वाले हो कैसे कैसे करते रहे, कैसे याद करें हिंदी को? अभी भी दीदी दादियाँ कोई बोलती है, एडवांस वाले भी बोलते हैं, कैसे याद करें बाबा? साकार में निराकार कैसे याद? हम साकार याद ही नहीं आता कैसे? और कैसे 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 करते करते शरीर छूट जाएगा। बस हो गया, हो गया टाइम। अभी पार्टी में जाने वाले तो गीता पाठ का अलावा कुछ कोई भी दे ले सकते हैं? जो भी इकट्ठी करने चाहते हैं और जगह से उनको गीता पाठ का नहीं लेके जाना, उनका उनचार माता ही लेके जाना है, और कोई भी लेके जिसको निमित्त बना दे, परमिशन लेटर भी लिख करके दे देंगे तो भी ले लिया जाता है।